मन की बात कार्यक्रम में सुभाष स्कूल पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। आपको बता दें, वीडी शर्मा ने आज राजधानी भोपाल में सुभाष स्कूल में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो बच्चे आज मन की बात कार्यक्रम में यहां आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कुछ अलग करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, इस हेतु उन्हें बधाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनने के बाद हमें किसी और के मन की बात सुनने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के अंदर जो खेलों का विशेष उल्लेख किया है कि आज जो दिन है इस भारत के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है जो ध्यानचंद जी के नाम से समर्पित है। ध्यानचंद जी का मध्य प्रदेश से बहुत संबंध रहा है और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कहा कि खेलों के प्रति आज का नौजवान आम युवा खेलों के प्रति समर्पित और खेलों के प्रति आकर्षित हो रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज वो खेलों से भी आज अपने जीवन के अंदर तलाश रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण टोक्यो ओलंपिक में जिस प्रकार से अवसर मिला और आज भारत के अंदर खेल रत्न भारत के प्रधानमंत्री जी ने ध्यानचंद जी के नाम से देख करके खेल और खिलाड़ियों का सम्मान जो किया है वो आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मध्य प्रदेश के अंदर आज जिनको विक्रम अवार्ड, हमारे विवेक सागर जिन्होंने 41 साल बाद हॉकी के अंदर पदक जीत करके उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रखी, मध्य प्रदेश के हमारे गरीब से गरीब परिवार का नौजवान होशंगाबाद का, मैं उसको बधाई देता हूं, उनको विक्रम अवार्ड मिला है और उन सभी खिलाड़ियों को जो मध्य प्रदेश के अंदर आज खेल दिवस के अवसर पर जिनको अवार्ड मिले उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने नौजवानों के बारे में कहा कि नौजवान नई रास्ता चुनना चाहते हैं, वो किसी लीग पर नहीं चलना चाहते, तो नए रास्ते चुनने का, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या अन्य क्षेत्रों के अंदर, भारत का नौजवान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास लगातार आज कर रहा है। तो मन की बात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर के भी कहा है, तो इंदौर के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे महापौर होंगे या हमारे पार्षद होंगे या हमारे सांसद विधायक होंगे या वहाँ के जो सरकारी तंत्र के हमारे कलेक्टर महोदय, प्रशासनिक नगर निगम के सभी कमिश्नर से लेकर सभी लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको आज आभार दिया है कि इंदौर हमेशा स्वच्छता के अभियान में आगे बढ़ाए और इंदौर नए कदम और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुभाष स्कूल से मेरा और मुख्यमंत्री शिवराज जी का पुराना नाता रहा है। उन्होंने बच्चों को खेल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खेलों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रुचि, इसी कारण आज नौजवान लीग से हटकर नए रास्ते बनाना चाहता है। आज खेल दिवस पर ओलंपिक में हॉकी खेल में कमाल दिखाने वाले होशंगाबाद के विवेक का सम्मान भी किया जाना है। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता मिशन में नंबर वन रहने वाले इंदौर के लोगों को बधाइयां एवं धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि दो लक्ष्य को आगे रखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसीलिए बच्चे भी यही कर आगे बढ़े। परेशानियां भी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस राइडर न्यूज़, भोपाल मध्य प्रदेश।